आयोजन सम्पोजियम का आयोजन हम किए हैं वो इसलिए किए हैं कि एक आर्ट को प्रमोट करने के लिए, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट को प्रमोट करने के लिए, तो ये जो अलग अलग स्टेट से जो आर्टिस्ट जो आए हैं तो यहाँ पे फाउंडेशन में पूरा फैसिलिटी प्रदान किए हैं, तो अपने आर्ट वर्क करके ये सारे हैं जो कि एक म्यूजियम स्थापना करने का विचार किए हैं, तो ये सारे इनकी जो आर्ट वर्क है वो म्यूजियम में स्थापना किया जाएगा और वो देश विदेश में इसके माध्यम से आर्ट को दिखाया जाएगा। ये आपके पीछे जो ये मशीन है ये किस काम आती है? ये मशीन है, ये CNC मशीन बोलते हैं, 3D CNC मशीन है, जो ये स्कल्पचर को इलाज कर बड़ा करने में काम आता है, जैसे स्ट्रक्चर यूनिटी को इसी मशीन द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ये छोटा मॉडल बनाया था, छोटा मॉडल को बना के एलार्ज कर देते हैं, एलार्ज करके इसको स्टेरियोफोम में कटिंग करके इसको पार्ट्स में करके उसको जॉइन करके उसको ये किया जाता है। एक छोटा सा सवाल और है, मेटल कास्टिंग एक नया वर्ड है आम आदमी के लिए, तो आम आदमी कैसे समझे कि मेटल कास्टिंग है क्या, उसको थोड़ा सा डिफाइन करें। मेटल कास्टिंग सर आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, जब तक अगर इसका पूरा फैसिलिटी या टेक्निकल मालूम नहीं हो तो आम आदमी के लिए मेटल कास्टिंग करना, आप देखो 96 में से पहले मेटल का यहाँ जो ये प्रोसेस जो हम करते हैं लॉस्ट वेस्ट प्रोसेस इटालियन प्रोसेस वो यहाँ नहीं होता था, 96 में बाहर से आता था, बाकी हम 96 में आके हम ये एक प्रोसेस को यहाँ का शुरुआत किया, तो अब यहाँ का इलाज है करने वाला, बाकी उसके बाद ये सब सुविधा नहीं है जो मेरे पास सुविधा है, जो कि 3D मशीन CNC मशीन जो लाया जो कि अभी कई ईजी हो जाता है, वह बड़े काम करने के लिए ईजी नहीं से हो जाता। नाम आपका? नाम मेरा नाम राजकुमार पंडित है।